मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आज हम लोग जो है नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 1.16। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स एम एंड एन। द एलिमेंट्स एन फॉर्म सीसीपी एंड एटम्स ऑफ एम ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि एन और एम से कंपाउंड बनने वाला है, बना है, जिसमें एन जो है सीसीपी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और सीसीपी स्ट्रक्चर में जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा उसका 1/3 पोजीशन पर, 1/3 जो मतलब मान लें कि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितना बनेगा उसका सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स नहीं, लेकिन उसका 1/3 वॉइड्स के पोजीशन पर एम जो है एम ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो इसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा वो हमें देखना है। ठीक है, एक्चुअल में कंपाउंड का फॉर्मूला जैसे हम लोग लिखते हैं, अगर ऐसा लिखा जाए M3N2 या N2M3, इसका मतलब होगा कि उस कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम ऑफ N जो है 2 होगा, तो M का वैल्यू जो है 3 होगा। मतलब तो कंपाउंड से ये मालूम चलता है, जैसे CO2 हम लोग लिखते हैं, इसे ये भी मालूम चलता है कि एक अगर ये CO2 का स्ट्रक्चर में अगर एक एटम कार्बन का होगा तो दो एटम जो है ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड एम दोनों का रेशियो क्या है। पहले हम लोग दोनों का रेशियो निकाल लेंगे और उससे हम लोग एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो पहले जो है ये पहले इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट समझ लेते हैं कि सीसीपी स्ट्रक्चर सबसे रिलेटेड। तो सीसीपी स्ट्रक्चर का दूसरा नाम जो है क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी होता है ना। कभी कभी जो है सीसीपी के जगह पर आपको FCC स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो FCC का फुल फॉर्म होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये दोनों जो है इसमें जैसे आप पढ़े होंगे तो इस चैप्टर को, तो उसमें मिलता है कि इसका पैटर्न किस टाइप का इसका अरेंजमेंट होता है, एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो FCC या CCP दोनों का पैटर्न जो होता है ABC टाइप का पैटर्न होता है। तो तीनों लेयर जो होता है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर ऑफ एटम का अरेंजमेंट, तीनों का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि FCC और CCP बनता कैसे है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर को रखने से ऐसा रखा जाए कि फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर में सेकेंड लेयर का एटम हो, तो उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है। ठीक है, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बना उसके ऊपर में थर्ड लेयर के एटम को इस तरह रखा जाए कि वह जो थर्ड लेयर का एटम हो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर ले, तो हमें एक ABC टाइप का पैटर्न ऑब्टेन होगा, और उसी पैटर्न को हम लोग CCP स्ट्रक्चर और FCC स्ट्रक्चर करते हैं। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बना था सेकेंड लेयर के कारण उसको अगर कवर करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, तो हमें HCP स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन उसको हमें नहीं, यहाँ पर नहीं करना है, हमें यहाँ पर समझना है CCP स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो CCP स्ट्रक्चर, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। So, these are the some facts that is helpful to solve this problem. So here, if there are X atoms that form CCP structure, मतलब CCP structure में अगर X atom हो, ठीक है, तो उसमें जो है tetrahedral vortex कितना होगा? 2X होगा। जितना number of atoms होगा, जिससे CCP structure बनेगा, तो tetrahedral vortex होता है, उससे number of atom का double होता है, ठीक है? लेकिन ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है जितना नंबर ऑफ एटम्स से CCP स्ट्रक्चर बनता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का भी संख्या होता है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो यहां पर M और N से जो है कंपाउंड बन रहा है, यहां पर N जो है CCP स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ N X मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एलिमेंट जो है इसका नंबर ऑफ एटम्स जो है X है,
इसलिए टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल भार्स, टेट्राहेड्रल भार्स, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम्स x हो तो टेट्राहेड्रल भार्स जो होता है इसका डबल होता है, तो ये टू x हो जाएगा। लेकिन m जो है ये टेट्राहेड्रल भार्स जितना बना है उसका 1/3 पोजीशन को ऑक्यूपाई किए हुआ है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ m, m का कितना एटम्स होगा तो 2x का 1/3 होगा, तो 2x/3 होगा। तो हमें जो है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ n भी मालूम हो चुका है और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ m भी मालूम हो चुका है, ठीक है। तो दोनों का जो रेशियो होगा एटम्स का रेशियो उसी वही ना कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा वही होगा, इसलिए n n रेशियो m इक्वल x by 2x by 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3x by 2x कितना हो गया 3:2, इसका मतलब यह होगा 3:2 लिख सकते हैं, इसका मतलब यह होगा कि अगर नंबर ऑफ एटम्स जो है n का 3 हो तो नंबर ऑफ एटम्स जो है m का 2 होगा, इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगर n का वैल्यू 3 है नंबर ऑफ एटम्स जो है n का 3 है, तो m का कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये होगा फॉर्मूला, ठीक है। मतलब